इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। रमो अरिहंतारम्, नमो अरिहंतारम्, नमो सिद्धार्थम्, नमो सिद्धार्थम्, नमो जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक शक्तिमान दूसरे भक्तिमान। जिनके पास सत्ता और संपत्ति होती है वे शक्तिमान माने जाते हैं, पर जिनके हृदय में आस्था और श्रद्धा होती है वो भक्तिमान होते। शक्तिमान व्यक्ति के चित्त में पदार्थ होता है और भक्तिमान व्यक्ति के हृदय में परमात्मा होता है। शक्तिमान व्यक्ति कई बार परिस्थितियों से घबराता है, पर भक्तिमान व्यक्ति विकटतम परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है। आचार्य मानतुंग ऐसे ही भक्तिमान श्रद्धालु की बात कर रहे हैं। वे कह रहे प्रभु आपके जो भक्त हैं वे सब आपके प्रभाव से बड़ी सी बड़ी विपदा को भी सहने में समर्थ है, उन्हें बड़ी सी बड़ी बाधाएं भी रंच मात्र विचलित नहीं कर पाती, इसलिए प्रभु हम आपके चरणों में शक्ति की अपेक्षा न रखकर भक्ति सभर होकर उपस्थित हुए हैं और उसी भक्ति की अभिवृद्धि का भाव रखते हैं।
आपके प्रति भक्ति रखने वाले के जीवन में काम और मान के प्रतीक हाथी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्रूरता का प्रतीक शेर भी शांत और शिथिल पड़ जाता है, क्रोध का द्योतक सांप भी एकदम समर्पित हो जाता है, और इसी तरह अंदर की क्रोधाग्नि कषायाग्नि रूप अग्नि की ज्वाला भी शांत हो जाती। कैसा भी बड़वानल हो समुद्र का, वह भी आपके भक्ति वाले भक्ति से भरे भक्त को प्रभावित नहीं करता, और वह बड़े बड़े युद्ध और संग्राम में भी अपराजेय बन जाता है, क्योंकि वह असीम पराक्रम का धनी होता है। वो बाहरी नहीं भीतरी शत्रुओं को हनन करने में समर्थ हो जाता है। वो अरिंजय बनता है, अरिहंत बनता है, क्योंकि वह अरिहंत का उपासक होता है। अब आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं भगवान, भक्तिमान सब रोगों से पार हो जाता है। पहले छंद देखे फिर आगे की बात। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशः, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशः, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा, कह रहे हैं उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। उद्भूत उत्पन्न हुए हैं, भीषण भयानक, जलोदर, जलोदर एक रोग होता है जिसमें पेट में पानी भरने लगता है, उसके भार को भोगने वाले अर्थात जलोदर जैसे भयानक बीमारी से ग्रसित लोग, सोचाम दशाम उपगता, जो सोचाम दशाम उपगता अर्थात सोचनीय दशा को प्राप्त हो गए, जिनकी दशा चिंतनीय हो गई, चित जीविता सा, जो जीवन की आशा से च्युत हो गए अर्थात जिनने जीने की आशा छोड़ दी है, जिनके बचने की अब कोई संभावना नहीं बची है, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा,
तदपाद पंकज आपके चरण कमल के रज रूपी अमृत से जिनका शरीर दिग्ध यानी सिंचित है, ऐसे मर्त्या मनुष्य मकरध्वज तुल्य रूपा भवन्ति। मकरध्वज यानी कामदेव के तुल्य रूपा समान रूप वाले भवन्ति यानी हो जाते। छंद का सीधा अर्थ है कि भगवान जलोदर जैसे महाभयानक रोग से ग्रसित लोग भी जिनकी दशा सोचनी हो गई है और जो जीने की आशा छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग भी आपके चरण कमल के रज रूप अमृत के स्पर्श और सिंचन से काम देव के समान हो जाते हैं। यहाँ जलोदर एक उपलक्षण है। किसी भी बीमारी के लिए अगर भगवान का नाम स्मरण जोड़ा जाए तो वह भयानक से भयानक बीमारी का निवारण कर सकते हैं, उसका उपचार संभव है, उसकी चिकित्सा हो सकती है। सब बीमारियों का इलाज भगवान आपके चरण रूप रज रूप अमृत का सिंचन है। महाराज आपने अच्छा बता दिया, फिर तो कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, भगवान का नाम लो और बीमारी ठीक हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ, दावे से भगवान के नाम से बीमारी छूट जाएगी, बशर्ते आपके पास केवल भगवान का नाम हो और किसी का नाम ना। भगवान का नाम हो और किसी का नाम ना हो तो बीमारी छूट जाए। अब सबसे बड़ी कमी तो मन के श्रद्धा की, श्रद्धा यदि प्रगाढ़ हो तो सब चीज़ें काम करती। दो तीन वैज्ञानिक बातें इस संदर्भ में कहूँगा। सबसे पहली बात, प्रार्थना से चिकित्सा का बड़ा गहरा संबंध है। दुनिया में इस बात को लेकर कई रिसर्च हुए, अमेरिका में इस पर कई ऐसे रिसर्च हुए जिसके बाद ये निष्कर्ष दिया गया कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। जब हम किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम अपनी ओर से सकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करते हैं, उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा भी यदि किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह उससे प्रभावित होता है और वह आरोग्य लाभ ले सकता है, लेता है। व्यक्ति स्वयं भी प्रार्थना करता है तो प्रार्थना के प्रभाव से उसके अंदर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावगत परिवर्तन से शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। शरीर के रसायनों में परिवर्तन आने से हमारी बीमारियां दूर होती है और रसायनों का परिवर्तन हमारे कर्मों के परिवर्तन का भी कारण बनता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये बहुत अंशों में हमारे लिए कारगर साबित होती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इसका प्रभाव दिखा है और भावना योग तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ही। मेडिकल साइंस की भाषा में दो शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट यानी किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो और उससे कहा जाए कि ये औषधि लो, ये रामबाण का काम करेगी, उसे डिस्टिल वाटर का भी इंजेक्शन लगा दिया जाए और मन में बिठा दी जाए कि ये रामबाण औषधि है, तो डिस्टिल वाटर भी उसके लिए रामबाण का काम करे। और किसी को साधारण बीमारी है और उसके लिए बिठा दिया जाए कि भैया ये तो असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो वह साधारण बीमारी भी उसके लिए अच्छी से अच्छी औषधि भी काम नहीं करेगी और वो आदमी असमय में भी मौत का शिकार बन सकता है। तो ये चीज़ें हम सब पे अपना प्रभाव डालती है, इसलिए अगर हम पूजा प्रार्थना आदि करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है
और उस सकारात्मक प्रभाव से हमारे अंदर का आत्मविश्वास जगता है और वह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हमारे जीवन का कायाकल्प कर देता है, उससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। इसलिए प्रार्थना को इतना अधिक महत्व दिया गया। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, आज से करीब 20 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है और बहुत सारे डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो ये सब प्रकार की बीमारियाँ भगवान की प्रार्थना से, भगवान आपके नाम स्मरण से दूर हो सकती हैं। पर बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी कभी भी हो, एक बात ध्यान में रखें, तन की बीमारी को तन तक सीमित रखो, उसे मन पर हावी ना होने दें। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए तन की बीमारी को तन तक रखें, उसे मन पर किसी भी अर्थ में हावी ना होने दें, और मन को स्वस्थ रखेंगे तो तन अस्वस्थ रहने पर भी आप मस्त बने रहेंगे। ये प्रयास सभी को करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल एड न लें, लेकिन ये बात भी ध्यान रखें, जब दवा काम नहीं करती तो दुआ ही काम करती है। और यहाँ कौन सी चिकित्सा की बात कर रहे हैं, ऐसी बीमारी जहाँ आप जीने की आशा नहीं बची, ऐसी बीमारी जहाँ स्थिति चिंतनीय बन गई। आप देखो डॉक्टर वालों ने भी, डॉक्टर से भी बात करो तो डॉक्टर आखिरी में क्या कहते हैं, अब तो भगवान के ऊपर ही सब निर्भर है, कहते हैं ना, अब तो ऊपर वाले पर निर्भर है। डॉक्टर कहते हैं अब तो आप भगवान का नाम जपो तो उस जगह कईयों के साथ मिराकल हो जाता है, वो चमत्कार हो जाता है। तो कहते तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। इस छंद का एक नया अर्थ और किया जा सकता है। यहाँ पर शरीरगत बीमारी तो है ही, पर मुझे मनोगत बीमारी भी दिखती है। दो शब्द हैं, सोचाम दशाम उपगता और चित जीवितासा। सोचाम दशाम उपगता यानी सोचनीय दशा को जो प्राप्त हो गए, यानी जो गंभीर चिंता से ग्रसित हो गए। किससे ग्रसित हो गए? गंभीर चिंता से, जिन्हें खूब एंजाइटी हो रही है। भगवान वो आपके नाम स्मरण करेगा, आपके प्रति श्रद्धा भक्ति रखेगा, आपके चरण रूप, चरण रज रूप अमृत को अपने ऊपर लगाएगा तो मकरध्वज जैसा बन जाएगा। मकरध्वज का एक अर्थ कामदेव होता है तो दूसरा अर्थ सोना होता है, उसका जीवन सोने जैसा निखर उठेगा। तो अपनी चिंता को समाप्त करना है तो भगवान के चरणों में अर्पित हो जाओ, सारी चिंता खत्म हो जाएगी। और चित्त जीविताशा, जिनने जीने की आशा छोड़ दी है, यानी जिनके अंदर घोर हताशा आ गई, जो डीप डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, ऐसे अनेक लोग जो गंभीर रूप से अवसाद ग्रसित हुए, डीप डिप्रेशन में गए, जिनके अंदर घोर एंजाइटी हुई, चिंता से ग्रसित हुए, मैंने अनेक लोगों पर ये प्रयोग कराया, भगवान के नाम स्मरण से उनका जीवन आमूल चूल परिवर्तित हुआ। नमोकार मंत्र के लेखन से, भक्तामर के पाठ से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, भावना योग से बहुतों के जीवन में परिवर्तन हुआ। जब मैंने भावना योग को प्रयोग में नहीं लिया था, उससे पहले का एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। हम कानपुर में थे, एक महिला
जो बहुत डिप्रेशन में थी, 2002 की बात, उनके कई ऑपरेशन हो चुके थे, 10-12 बल्कि और ज़्यादा, उसके बाद भी मछली की तरह छटपटाते, वेदना प्रगाढ़। परिवारजन लेकर मेरे पास आए, मैंने जब उनकी बात सुनी तो कई बार किसी किसी के भाग्य से हम लोगों के मन में कोई विचार आ जाता। मैंने उनसे कहा एक काम करो, तुम रोज सुबह 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा नमोकार लिखो और 3 महीने लिखो, तुम्हें पक्का आराम मिलेगा, 3 महीने के बाद मेरे पास आना। मैंने कह दिया, उनने फॉलो करना शुरू कर दिया। यद्यपि मैंने जो कहा था उसका कोई अनुभव नहीं था, केवल नमोकार पर यह विश्वास था कि ये नमोकार लिखेंगे तो इसका मन वचन काय त्रियोग शुद्ध होगा, और त्रियोग शुद्ध होगा तो इसके कर्म कटेंगे और इसकी बीमारी दूर होगी। मैंने कह दिया विश्वास के साथ और उसके अंदर विश्वास जग गया। 6 महीने बाद वो लोग आए, परिवार आया तो मालूम पड़ा कि पूरी तरह ठीक हो गए। और उनने कहा, महाराज 2 महीने से ही हमें आराम लग गया और आज सारी दवाइयाँ बंद हो गई। आनंदपुरी में रहते हैं, संपर्क कर लेना, अनूप जैन की धनपत्नी अनिल जैन, अनूप जैन, अनिल अभी आया भी था, मैंने कई बार इस मंच से बताया। ठीक हो गई किससे? तद पाद पंकज रजो मृत दिग्द देह। उसके बाद फिर मैंने तो नमोकार मंत्र का प्रयोग करने के लिए जिस जिसको कहा 100% रिजल्ट आया। तुम लोगों का श्रद्धान कमजोर, आप लोगों से कहा जाए नमोकार वो तो जपते ही हैं, भक्तामर पढ़ो वो तो करते ही, अरे कोई अलग से चाहिए? ये जब तुम्हारे पास अमोघ अस्त्र है तो दूसरे की जरूरत क्या है? श्रद्धान कच्चा मत रखो, पक्का रखोगे तभी जीवन में कारगर उपलब्धि होगी। मुझे आगे पढ़ना है। अब बोलते हैं, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टि तांग तांगा, गाढ़म बृहन निगण कोटि निघृष्ट जंघा, तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजाश्मरंतः, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हे भगवान, आपके नाम स्मरण से सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कैसा? आपाद कंठ उरु, आपाद कंठम पैर से लेकर कंठ तक, उरु यानी छाती, श्रृंखल बंध वेष्टितांगा सांकड़ों से पूरे शरीर को वेष्टित किया गया है। कैसे? गाढ़म बृहन निगढ़, बड़े प्रगाढ़ बृहत और निगढ़ यानी घने, कोटि इस प्रकार के, निघिष्ट जंघा जिससे जांघे घिस गई, तन्नाम मंत्रम स्मरंतः मनुजानिशम सद्य स्वयं विगत बंधवया भवन्ति। आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करने वाले मनुष्य शीघ्र ही
सारे बंध के बंधन के भयों से मुक्त हो जाते हैं, उनका सारा बंधन टूट जाता है। आचार्य मानतुंग तो इसके स्पष्ट उदाहरण है ही, सब प्रकार के बंधन टूट जाते हैं अगर हम श्रद्धान के साथ इस तरह का कार्य करें तो बंधन टूटता है। आज मानतुंग की तरह हमें कोई बंधन में बांधने वाला नहीं है, इस तरह से बेड़ियां तो कोई को नहीं लगती, लेकिन कई प्रकार के बंधनों में व्यक्ति फंस जाता है और ऐसे बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति भी भगवान के नाम स्मरण से मुक्त हो सकता है। सन 2004 में हमारा चातुर्मास सतना में हो रहा है, मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया, पोस्ट कार्ड सतना के जेल से एक कैदी का था, कैदी एक विचाराधीन कैदी का था। पत्र में उसने लिखा, वो बीकानेर का था, पत्र में लिखा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फर्जी तरीके से एक मामले में फंसा दिया गया है, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, मैं आज जेल में हूँ इसका मुझे कोई विकल्प नहीं, विकल्प केवल एक है कि दशलक्षण आने वाला है, मैं पिछले अनेक वर्षों से दशलक्षण में एक आसन करता रहा हूँ, इस वर्ष जेल में हूँ, मुझे केवल एक ही बात का विकल्प है कि मेरा वह एक आसन कैसे पलेगा, मैं क्या करूँ। मैं 10 दिन उपवास भी कर सकता हूँ पर जेल प्रशासन इसके लिए अनुमति नहीं देगा। महाराज श्री, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं अनुग्रहित होऊंगा। संयोग से वहाँ का जो जेलर था वो हमारे प्रवचनों में आता था, मैंने उसको पोस्ट कार्ड दिया, तो जेल प्रशासन तो पढ़ करके ही भेजता है सब कुछ। मैंने जब बात की तो उसने कहा कि महाराज जी, ये आदमी बहुत अच्छा है और निश्चित ये फंसा है। हमने कहा देखो भाई, एक धर्मी व्यक्ति है, फंस गया है, कर्म का उदय, आप अपने दायरे के भीतर इस व्यक्ति को जितना सहयोग दे सकते हैं दीजिए, ताकि उसका धर्म भी पले और कोई व्यवधान भी ना हो। उसके भाग्य से उसकी सारी व्यवस्थाएं हो गई, समाज के लोगों ने भी व्यवस्थित कर दिया। दशलक्षण पूरे हुए 15 दिन बाद 16वें 17वें दिन वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गए और दर्शन करने आया। आकर के उसने बताया कि महाराज जी, मैं केवल भक्तामर का पाठ करता था, मुझे विश्वास था और भक्तामर के प्रभाव से आज मैं मुक्त हो गया। आप लोग कुछ भी होता है विचलित होते, विचलित मत होइए, स्थिरता रखिए। एक बात का गाढ़ श्रद्धान अपने मन में बिठाइए कि प्रतिकूल संयोग पापोदय में आते हैं और पुण्य से ही पापोदय को नष्ट किया जा सकता है, और पुण्य जगाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, एकमात्र है शुभ आलंबन, और शुभ आलंबन में सर्वश्रेष्ठ आलंबन है भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति का सबसे सरल माध्यम है अणमोकार और भक्तामर। इतना कीजिए, सब चीजें अपने साथ आ जाएगी। अब अगला, मत दीपेंद्र मिघराज दवानलाही,
संग्राम वारधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। यह मतिमान तावकम इवम स्तवनम स्तवम अधीते, जो मतिमान जो समझदार आपके इस स्तवन का पाठ करता है, वह मत्त दीपेंद्र यानी मदोन्मत्त हाथी मृगराज क्रूर सिंह प्रचंड दावानल आही अर्थात सांप प्रचंड सांप संग्राम भयानक मुद्र और महोदर भयानक बीमारी और विविध प्रकार के बंधनों से उत्पन्न जो भी भय है उसका तस्य उसका भयम यह भय भेव खुद भयभीत होकर आसु शीघ्र नाशम उपयाती नाश को प्राप्त हो जाता। जो व्यक्ति आपके इस स्तवन का जो मतिमान आपके इस स्तवन का पाठ करता है नियमित पाठ करता है उसके लिए मदोन्मत्त हाथी क्रूर सिंह प्रचंड दावानल क्रोधोद्धत सांप भयंकर संग्राम उफनता सागर भयानक रोग और कैसा भी बंधन हो इनसे उत्पन्न सारा भय स्वयं भिया भयभीत होकर भयभीत भिये व भिया इव भयभीत होने की तरह अस्यास आसु नाशम उपयाति शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ें भले नष्ट न हो पर उसका भय भी नष्ट हो जाता है। जिसके हृदय में प्रभु होते हैं उसको किसी का डर नहीं सताता। सब प्रकार के भयों का निवारण भगवान के इस आराधन से हो जाता है। अगला आज उपसंहार करके आज ही खत्म कर देता हूँ। आचार्य मानतुंग ने पाठ किया नहीं आज ही करते हैं, आज गुरुवार पुष्योत नक्षत्र खत्म करते हैं। आचार्य मानतुंग ने 47 काव्य लिख दिए, एक कल्पना है, और उनने अपने दरबारियों से कहा, राजा भोज से कहा, दरबारी आपके एक से इतने सारे दरबारी आपने मेरा प्रभाव तो देख लिया, मैंने 47 ताले तोड़ दिए। अब जी जितने बैठे हैं सब मिलके एक तोड़ दे, आपने 48 बांध के दिखा दिए, एक तोड़ के दिखाओ तब जाने। अब सब समस्या में ग्रसित हो गए, अब कैसे तोड़े, नहीं तोड़ते तो राजा का कोप भाजन और तोड़े तो ताकत नहीं क्या करे, दोनों तरफ से गए अब क्या कर सकते हैं, सब समस्या से ग्रसित हो गए। अंततः राजा समेत सब चरणों में आ गए और कहा प्रभु आपको और आपके प्रभु को हम मान गए, हम आपके आगे कुछ नहीं हैं। और तब अंतिम ये छंद रच कर आचार्य मानतुंग ने हम सब के लिए कुंजी दे दी कि ले किसी को बंधन में डालना मत, पर कोई तुम्हें बंधन में डाले तो इस कुंजी का उपयोग करना, इस कुंजी से सब बंधन का ताला टूट सकता है। वो क्या है देखिए,
स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धा। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धा। भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा। धत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम। धत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम। तमान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र भगवान, स्तोत्र सजम, ये स्तोत्र रूपी सज यानी माला को, कैसी माला है? तो माला कैसे बनती है? उसमें एक तो डोर होती है, फिर फूल होते हैं, तो फूलों से माला गूथी जाती है। तो मैंने एक कुछ नहीं किया, मैंने तो एक माला गूथी है, और ऐसी माला जिसको अपने गले में डालने वाला माला माल हो जाए, उसका जीवन निहाल हो जाए। तो भगवान, मैंने आपके स्तोत्र रूपी माला को गूंथा है, सजा है। कैसे? तो गुणैर निबद्धा, आपके गुणों से निबद्ध, अर्थात गुण का अर्थ होता डोरी, और गुण आपके गुणों से संबद्ध है। आपके गुण रूपी डोरी से संबद्ध मैंने ये स्तोत्र रूपी माला को गूंथा है। कैसे? भक्त्या, भक्ति से, मया, मेरे द्वारा गूंथा गया है। मैं किया नहीं, वे हो गया। कैसे हो गया? भक्ति के कारण। और वो क्या है? रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा। रुचिर, मैं अपने अपने पसंद के विविध वर्णों और विचित्र प्रकार के व्यंजनों रूप पुष्पों से, इसमें मैंने जितने भी अक्षर और व्यंजनों का प्रयोग किया है, वो मैंने अलग अलग पुष्पों की भांति किया है। उन सारे व्यंजनों और स्वरों को जोड़कर मैंने उन पुष्पों से इस माला को गूथा है। स्तोत्र रूपी माला मैंने बनाई है। यह जन अजस्रम कंठगतम धत्ते, जो व्यक्ति अजस्रम निरंतर कंठगतम धत्ते, इसे अपने कंठ में धारण करता है। माला को कहाँ धारा रखा जाता है? कहाँ रखा जाता? खूंटी पे टांग करके, गले में पहन के। तो जो इसे कंठगत रखता है, स वह मान तुंगम अवसाम लक्ष्मी उपैति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।